हुआ कि भेड़िया और बकरी एक घाट पर पानी पीते और इस तरीके तो उन्होंने आप सोचिए कि ईद के दिन जिनकी तकरीबन आप सोचिए 1/3 या आधे दुनिया को हुकूमत की अभी वो तो मुश्किल ईद के दिन सबके बच्चे ही ईद के कपड़े नए पहन के खिला रहे और उनके 13 बेटे अहलिया उनकी कह रही है कि ईद के बच्चे को कपड़े तो बनवा दीजिए। कहने लगे भाई मेरे पास तो गुंजाइश नहीं। तो कहा कि एक महीने की एडवांस ले लीजिए अपना जो बैतुल माल से वजीफा मिलता है। तो बीवी के कहने पर उन्होंने खजानची से कहा कि भाई हमें एक महीने के लिए पहले दे दो भाई। तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन वो लोग भी थे कहने लगे कि आपको अपने जिंदगी का एतबार है एक महीना जिंदा रहेंगे आप लेकर खत कर दिया इंतकाल हो गया तो क्या होगा कौन देगा इसको। और वो डर गए कहने लगे भाई ठीक करते चलो उसी उपाय। सारे घरों में ईद की खुशियां मनाई जा रही है और अमीरुल मोमिनीन के बच्चे पुरानी कपड़ों में ईद कर रहे हैं। जो शाहजादा उनकी बीवी फातिमा जो थी ऐसी औरत तारीख में नहीं मिलेगी जिसके शौहर भी खलीफा जिसके बेटे भी सब वो बनाए गए बादशाह बनाए गए जिसके भाई भी बादशाह जिनके वालिद भी बादशाह चारों तरफ से और वो अपराधी हैं। सोचिए उनके साथ जब उनका खिलाफत मिली तो उनके देवर वगैरह उन्होंने कहा कि देखो या तो ये देवर बैतुल माल में दाखिल कर लो या उससे तुम छुट्टी ले लो। तो कहा कि मैं आपको किसी की मदद छोड़ उनको जहर दिलवा दिया खानदान वालों। तो मालूम हुआ कि इंतकाल से पहले सब बच्चे थे घेरे हुए थे उनको क्या पाई लेते हुए उनके खानदान के बुजुर्ग आए और कहा कि आपने अपने बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं किया। उनका तरका जो बांटा गया तो चंद चंद दिरहम आए हुए चंद आने फिर उन्होंने कहा मुझे बैठाओ सहारा देकर बैठाया गया। कहा मैंने दूसरों का हक छीन करके जुल्म से इनकी दुनिया नहीं बनाई मैंने इनकी दीनी तरबियत की है। अगर ये नेक और साले हैं तो अल्लाह इनका मकबूआ हो या तो अल्लाह सालेहीन और अगर ये दीनदार नहीं है तो मैं इनको करोड़ों भी बना के दे देता। ये सब करके अब उनको भी और बच्चों से कहा बच्चे से अपने नहीं अब आपने जो कुछ किया हमारे इंतकाल हो गया। उसके बाद जो बादशाह बनाया गया उसके भी 13 बेटे उसने जो है करोड़ों की जायदाद हर बच्चे के सामने और उनको खूब जायदाद बागात महल सब। अब आप देखिए तारीख का अजीब तारीख में आप पढ़े मुताला करें जिसने करोड़ों की जायदाद बनाई थी जब हुकूमत बदली है बनू उमैया से बनू अब्बास में आई तो बनू अब्बास वालों ने जितनी इनकी प्रॉपर्टी थी सबको जब्त कर लिया और वो लड़के जिनकी करोड़ों की जायदाद थी दमिश्क की जामा मस्जिद में प्याला लेकर के भीख मांगते देखेंगे सीढ़ियों पर और ये कहते हुए कि नए लोगों इस मस्जिद को हमारे आबाओ अजदाद ने बनाया था अल्लाह के वास्ते रोटी का टुकड़ा दिया। उलट डरते रहना चाहिए आदमी कब क्या हालात किसके हो जाए कुछ पता नहीं। और इनके बेटे जो है वो भी बनो उमैया लेकिन बनू अब्बास में ही वो बड़े गवर्नर बनाए उनके वालिद की जिम्मेदारी और एक एक बेटा एक एक हजार घोड़े अल्लाह के रास्ते में जो है सदका करता था इतना खर्च करता ऐसा ही। तो अगर आदमी जो है यानी आप सोचिए कि बच्चों को दीनदार बनाए वो हमें एक बार लगता है सबसे ज्यादा इसकी फिक्र होती है सबसे ज्यादा शुरू ही से फिक्र होना चाहिए बड़े होकर नहीं हो पाए बचपन में अगर कर लिया तो कर लिया बचपन की उम्र वही बंदे की वजह से होगी आदमी की ऐसे
और दूसरे ये कि आदमी खुद नेक बन जाए, खुद नेक हो जाए, जैसे वो खुद के दीवार का बेटा वो मसाले, यानी बच्चों को या तो साले बना दे और खुद साले बन जाए, क्या मसला है? औलाद भी अपना फले फूलेगी, खुद भी अपना हयातन तैयबा मिलेगी और जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह। ये जो मेहनत है मेरे भाई और दोस्तों, बड़ी जामे मेहनत है, अजीब मेहनत है, ये दीन की मेहनत। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे पानी, पानी कितनी सारी सी चीज है। अल्लाह ने कलाम पाक में एक आयत में इशारा फरमाया है, हमने हर चीज को पानी से जिंदगी दी, वजाला नजमा पानी से। तो जैसे पानी से हर चीज को जिंदगी मिलती है, हर जानदार को, पौधों को, फसलों को, इंसान को, अगर इंसान में डिहाइड्रेशन हो जाए जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, ऐसे दीन की मेहनत जो है पानी जैसी है। अगर दीन की मेहनत होगी तो दीन के जितने शोबे हैं सबको हयात मिलेगी, मदरसे भी बनेंगे, मस्जिदें भी आबाद रहेंगी, खानकाहें भी आबाद रहेंगी, उलमा भी होंगे, मुफ्ती हजरात भी पैदा होंगे, दीन के दाई भी पैदा होंगे, सोशल वर्कर भी पैदा होंगे और दीन के खादिम भी पैदा होंगे, सबको जो लोग ज़कात भी देंगे, सदका भी निकालेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, सब कुछ होगा। और अगर दीन की मेहनत खत्म हो जाए, अगर कहत साली हो जाए तो सब चीज खतरे में हो जाएगी, बाप खुश हो जाएंगे, खेतियां खुश हो जाएंगी, जानवरों को चारा नहीं मिलेगा, जानवर मरने लगेंगे, बाजारों से चीज गायब हो जाएगी, सब चीजें, पानी अगर ना हो। ऐसे ही अगर दीन की मेहनत ना हो तो कुछ नहीं हो, सब जो है ना सब सूखा पड़ जाएगा। हम सन 70 में आए अलीगढ़, तो एम एम हाल में लाठुआ में, तो वहां एक पुरानी मस्जिद थी, बल्कि सबसे बोसीदा मस्जिद हुए हाल में, वहां हमारे नादिर साहब ने पहला मकतब कायम किया यहाँ, और वहां से लाए थे खुद खाली अनवर साहब, और उसमें जो जमात के लोग लगे थे उस वक्त, उन्होंने अपने बच्चों को वहां पढ़ाने शुरू किया। पूरा पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई नाजरे का मकतब, कोई हाफिले का मकतब, कोई मदरसा नहीं, और नादिर साहब ने 10-10 रुपए के पेपर बना रखे थे, पहले खुद पैदल जाते थे किताब, और वहां से देखिए फिर कुछ लोगों ने उसमें हिस्स किया और वहां से इब्तदा हुई। और ये दीन की मेहनत जिसको कहा गया है उम्मुल आमाल है, दीन की मेहनत, दीन की मेहनत सारे खैर के आमाल की मां है। दीन की मेहनत होती रही है 24 घंटे की, पहले 24 घंटे की जमात होती थी, एक गज होता था खाली, और छुट्टियों में जमात निकल जाती थी, संडे का ही। लेकिन आप देखिए मेहनत होती रही, होती रही, होती रही। अब आप देखिए माशाल्लाह, अब देवबंद के वो उस्ताद आए तो हमारे बेटे ने पूछ किया कि जरा यूनिवर्सिटी कैंपस इनको दिखा दीजिएगा, तो मैं गया यहाँ पहले खाली मंदिर में बहन के आए हुए थे, तो गाड़ी पर मैंने बैठा के उसको सब दिखाया, किले किला भी ले गया, किले किला दिखाया, फिर वो पूरा यूनिवर्सिटी घुमाई और रास्ते में कारगुजारी सुनाता रहा। अच्छा, वो बहुत बड़े खतीब हैं, जो जलसा वलसा होता तो वही अनाउंस करते हैं, बोलने का अल्लाह ने सदीफा दिया। तो मैं बताता रहा उनको कि देखिए नादिर साहब ने ऐसे काम किया था, अब यहाँ मदरसा बन गया, तालीम बिल्डर बन गया, माजिद ने जबल बन गया, नदवे की शाख बन गई, और इतना जो है लड़कियों का जो मदरसा हो गया यहाँ सलमान साहब का, उधर मेहदी हसन साहब का, और मैंने कहा नाजरे के या कुरान के तो न जाने कितने मकतब हो गए, और हमने कहा हमारे वादी इस्माइल में इतने हाफिज हो गए हैं कि मस्जिद में तो एक वो ढूंढते रहते हैं कि फ्री में है कुरान सुनाने को, कहीं मस्जिदें मिल जाए, 8-8, 10-10 घरों में तालीम वो तरावी होती है फर्ज के बाद, छोटे समाज में ऐसे, ये सब दीन की मेहनत। मैंने बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, और मैंने कहा ये सब दीन की मेहनत, जैसे हमने बताया ना, कहते हैं कि जो उम्मुल आमाल है, और इसमें आप जाइए तो हर डिपार्टमेंट में लगेगा ऐसे साथी मिल जाएंगे, जैसे लगता है मदरसे से फारिग हो, मदरसे और उनको मन हुआ उनके अखलाक या उनकी खिदमत का जज्बा देख के बहुत मुतासर होते हैं। एक आध लोगों को मैंने मेडिकल में दिखाया तो बहुत ही ज्यादा मुतासर हुए वो लोग,
आप लोग मदरसे के आए थे उनको दिखा के, और तो इसका असर पड़ता है। अगर आदमी जो है ना, देखिए अगर मेहनत हो तो हर जगह दिलदारी आएगी, हर जगह लोगों के अंदर जो खिदमत करने का जज्बा पैदा होगा। जब जब कहते हैं ना कि जो किसी मुसलमान भाई की एक जरूरत पूरी करता है अल्लाह ताला उसके लिए कहते 73 दर्जे मकसद की लिखते हैं, 73। एक में उसकी दुनिया आखिरत बना दी जाती है, बाकी आखिरत में जन्नत में दर्जा दो। अगर ये फजाइल जब सुनेगा ना तो आप देखिए भागा भागा भाई मैं इसे काम इसकी मैं जरूरत पूरी कर दूंगा, इसका इलाज करा दूंगा, ये परेशान है इसकी मैं मदद करूंगा। जब फजाइल सदमात में इस तरह को सुनेगा आदमी, सदके को फजाइल सुनेगा तो सदका बलाओं को दूर करता है। मुसीबत और बला सदके को फांद नहीं सकती, बाउंड्री बन जाएगी। जैसे अगर बाउंड्री बना दे तो जानवर कोई कुछ फायदा उसका। अगर आदमी सदका रोज